अच्छा करके हाँ, अच्छा। मैं ये कर लूंगा ना मतलब आप सोच के आओगे दो साल आपको दो साल में मैक्स बता रहा हूँ चुपचाप नौकरी करो जो जैसे जाके लोग करे तीन साल बात कर लेना यूट्यूब्यूब्यूब वही है ठीक है राजू रस्तों की ना मेरी बहन की शादी करानी है पापा का ऑपरेशन कराना है हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर स्टोन तो आपको पता होगा हम किसके क्या शूट कर रहे हैं सो वाई जी लॉ जिनका चैनल है गौरव सर का सो so, सर आज हमारे साथ है थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हम आपके साथ हैं आपकी प्रमाइस में हैं तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम तो सर सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहला सवाल ये कि मान लीजिए अगर मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें मेरे एक लाख सब्सक्राइबर हैं दो लाख साठ हज़ार में नहीं जाते एक लाख सब्सक्राइबर हैं तो मेरी अर्निंग कितनी होगी उससे यार YouTube का है ना मिसकनसैप्शन है लोग सोचते हैं कि इतने सब्सक्राइबर इज़ इक्वल टू तो इतने पैसे या इतने व्यूज़ इज इक्वल टू तो इतने पैसे ऐसा होता नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है मतलब दस हज़ार सब्सक्राइबर वाला हो सकता है ज़्यादा कमा रहा हो एक लाख सब्सक्राइबर वाले से क्योंकि एक चीज़ होती है सी बोलते हैं ठीक है कॉस्ट पर मिली मिली इज इक्वल टू तो थाउजेंड अच्छा तो कॉस्ट पर मिली मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड व्यूज़ ये किस चीज़ की कॉस्ट बता रहा है ये एडवर्टाइजर की कॉस्ट बता रहा है कि एक एडवर्टाइज़र आएगा यूट्यूब के पास जैसे यूट्यूब कैसे कमाता है यूट्यूब कमाता है कि कंटेंट अपन यूट्यूब को दे रहे हैं यूट्यूब वो कंटेंट एडवर्टाइजर्स को दिखा रहा है कि देखो ये कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है एडवर्टाइजर बोल रहे हैं हमको इस इस कंटेंट पे ऐड करना है और वो कंटेंट के हिसाब से एडवर्टाइजर यूट्यूब को पैसे देते हैं उसमें से यूट्यूब अपना पचपन परसेंट काट के फोर्टी फाइव परसेंट काट के और पचपन परसेंट हमको दे देता है तो ये अर्निंग है अब जो एडवर्टाइजर है ना वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूट्यूबर कितने कमाएगा तो वो इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करते कि कैरी मिनाटी का रेट इतना है या गौरव यादव का रेट इतना है वाई जी लॉ का ऐसे नहीं होता वो ऐसे नीच डिसाइडेड रहते हैं कोई बंदा है जैसे सैमसंग है सैमसंग को अपना फोन बेचना है तो सैमसंग किसको बेचेगा अपना फोन मतलब कौन से वीडियो में चाहेगा कि फोन का ऐड आए टेक के चैनल्स पर तो वो टेक के चैनल्स यूट्यूब को बोलेगा मेरे को टेक के चैनल्स पर मेरा ऐड दिखाना है अब उसके बाद टेक के चैनल पर कौन देख रहा है वो टेक का चैनल क्या वो किसी गाँव में बैठे हुए कोई अंकल देख रहा है या फिर कोई वो सिटी में कोई मल्टीनेशनल में काम करने वाला आदमी देख रहा है क्या वो यूएस में कोई बंदा बैठ के देख रहा है तो एक लैंग्वेज का डिफरेंस आता है अगर आप हिंदी कंटेंट बनाओगे देशभक्त कोई है तो नाराज मत होना <laughs> प्लीज ठीक है हिंदी कंटेंट बनाओगे हिंदी कंटेंट विल अर्न लेस देन इंग्लिश कंटेंट राइट क्योंकि एडवर्टाइजर्स को भी पता है कि जो इंग्लिश जानता है वो इन जनरल ज्यादा वेल ऑफ है ठीक है इन जनरल एक्सेप्शन लेकिन इन जनरल अगर इंग्लिश आती है इंग्लिश नहीं आती है तो आप इतने वेल well ऑफ नहीं होगे गए मोस्टली

थोड़े लीचड़ चैनल आते हैं ठीक है जो क्रेंज कंटेंट बनाते हैं वो आ गए उनकी जनता देखने वाली बहुत है फालतू लेकिन एडवर्टाइज को पता है कि वो फालतू जनता कुछ नहीं खरीद रही है ठीक है तो उनके पे सीपीएम मिलेगा अराउंड ऐसे होता है पांच रुपए दो रुपए सात रुपए तो बेसिकली हजार व्यू पे सात रुपए ठीक है अगर सात रुपए सीपीएम है तो उसमें से भी फोर्टी फाइव परसेंट यूट्यूब लेता है ठीक है तो अगर अपन मान लो एक दस रुपए का सीपीएम मानते हैं तो अगर हजार व्यू आएंगे तो दस रुपए मिले दस हजार व्यू आए तो सौ रुपए मिले एक लाख व्यू आए तो हज़ार रुपये मिले उस हज़ार में चार सौ पचास यूट्यूब ले जाएगा पाँच सौ पचास रुपये मिले दस हजार व्यू पे ठीक है समय ये रेशियो हो, हाँ। हो गया अगर दस रुपये का सी पी एम हुआ तो हाँ, हाँ। लेकिन जैसे मेरा एजुकेशन चैनल है मेरा हिंदी एजुकेशन चैनल है तो मेरा सी पी एम अराउंड सत्तर अस्सी के बीच में अभी ठीक है तो मेरे को हजार व्यू में सत्तर रुपये मिलेंगे उसमें से फोर्टी फाइव परसेंट यूट्यूब लेगा बाकी मेरे को मिल जाएगा लेकिन मेरा अगर इंग्लिश में होता तो शायद मेरा नब्बे होता सौ होता ऐसे टेक चैनल्स का और थोड़ा ज्यादा होता है करेक्ट ठीक है उनका सौ डेढ़ सौ तक पहुंच जाता है hmm. सबसे ज्यादा होता है फाइनेंस फाइनेंस चैनल चैनल का क्योंकि क्या बताते हैं पैसा कैसे कैसे हाँ। कैसे इन्वेस्ट करें कैसे हाँ। ये बहुत ही नॉर्मल सा है मेरा hmm. कि अगर कोई देख रहा है कि पैसे कैसे बचाए एस कैसे करनी है तो उसके पास पैसे एक्सेस में है उसका गुजारा हो रहा है वो खर्चा कर रहा है सब कर रहा है अब उसके बाद दस हजार रुपए महीने के बचे हैं एक्स्ट्रा खर्च करने को वो उनको इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो ऐसे इंसान को तो आप एडवर्टाइज करना चाहोगे ना कि नया आई फोन आया क्लाइंट के हाँ नया आई आया है तो वो बंदा बेस्ट के अपना टारगेट है ना तो उस फाइनेंस चैनल पे सीपीएम जाता है ढाई सौ रुपये तीन सौ रुपये ठीक है पर हजार व्यू अगर आपका इंग्लिश टेक चैनल है तो और ज्यादा चार सौ रुपए पाँच सौ रुपए मैंने यूएस के चैनल्स देखे हैं जिनका सी पी एम सताइस सत्ताईस डॉलर तीस तीस डॉलर पर थार तीस डॉलर तीस डॉलर कितने हो गए ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज पर थाउजेंड व्यूज़ उस पर मिल रहा है तो वो सीपीएम पे डिपेंड करता है तो सब्सक्राइबर कितने हैं व्यूज पड़ता कितने है फर्क पड़ता है लेकिन व्यूज किस चीज पे, पे, कि पे आ रहे हैं व्यूज आपके कचरे पे आ रहे हैं कि व्यूज आपके फाइनेंशियल एडवाइस पे आ रहे हैं हिंदी के कंटेंट पे भी आ रहे हैं इंग्लिश के कंटेंट पर भी आ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है समझ गया समझ गया तो ठीक है सर तो उसका मतलब ऐसा नहीं है भाई कि मेरे बहुत ज्यादा अगर मेरे को व्यूज दिख रहे हैं किसी पे तो इसका मतलब अर्निंग भी उतती हो क्योंकि एंटरटेनमेंट वैसे आपने बताया कि नीचे कैटेगरी के अंदर में आता है तो लेकिन फिर लोग ये बात भूल जाते हैं कई बार मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ लोगों को तो लोग इसको उल्टे में ले लेते हैं कैसे तो सात थाउजेंड व्यू कमा रहे हो हाँ। तो, अगर आपके टेन है, तो आप सत्तर रूपये मिल रहे हैं लेकिन उसके चार मिलियन व्यूज है तो आपसे तो ज्यादा ही कमा रहेगा ठीक है तो इन दी एंड तो नंबर्स का गेम है सीपीएम इन टू पर थाउजेंड व्यूज आपका मैथ्स है अब आप व्यूज बहुत ज्यादा लिया सीपीएम बहुत कम कर लो

यार मेरा चैनल चला है दो मेन रीज़न है मेरे हिसाब से ठीक है एक तो कि मार्केट खाली था ठीक है मार्केट में मेरे को क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो चैनल्स थे नाम ले सकता हूँ ना मैं से हाँ, हाँ, तारीफ़ी हाँ, कर रहा हूँ हाँ, ठीक हाँ, तो है थ्योरी ऑफ एब्रोगे करके चैनल था एक स्टडी गो बाय जीनत सिद्की करके चैनल था अब तो नहीं सुना होगा वो अपनी एक्टिव है शायद ठीक है और थ्योरी ऑफ एब्रोगे में अब एक्टिव नहीं है वो चैनल उस टाइम के लिए बहुत अच्छे थे ठीक है क्योंकि वही चैनल थे उनके अलावा चैनल ही नहीं था कोई और मेरे को पढ़ना है मेरे को नहीं पढ़ना किताब से मेरा कल एग्जाम है मैं नहीं पढ़ सकता इतनी जितनी मोटी किताबें होती है दे अपने दे है। है। तो मैं चैनल सर्च करता था तो मेरे को लगा कि इनसे अच्छा तो मैं पढ़ा लूंगा मतलब नो ऑफेंस टू देम है ना मेरे को लगा कि मेरे को एडिटिंग भी आती है और क्योंकि नहीं आती थी उस उन चैनल पे दिख रहा था कि एडिटिंग नहीं आती है या कुछ नहीं होता दूसरे चैनल पर जो भी और बहुत लंबा हो रहा था ठीक है कुछ लोगों को रिलैक्स वे में पढ़ना होता है मुझे नहीं पढ़ना था तो मुझे लगा मेरे जैसे और लोग होंगे जिनको रिलैक्स वे में नहीं पढ़ना जिनको हावड़तावड़ पढ़ना उनका दो घंटे बाद एग्जाम उनको पास होना है उनका वो गोल है तो मैंने उस गोल से चालू किया था तो एक तो वो चीज़ हो गई कि मार्केट में मेरे जैसा कंटेंट था नहीं अभी भी मेरे को लगता है कि कंटेंट नहीं है मार्केट में कौन सा नहीं पता कि हम भी बना पाए है <laughs> ना, ना, ना। <laughs> पढ़ाई के कंटेंट जैसे पढ़ाई के कंटेंट में है ना जितने लोग हैं भारत में उसके हिसाब से चैनल्स नहीं है इतने लोग के अगर आप कोई सी भी दूसरी फील्ड में जाते हो आई में एम एम मतलब पी जो एंट्रेंस होता है ठीक है नीट वगैरह यूपीएससी में ठीक है बहुत सारे चैनल हैं मतलब आप यूपीएससी में जाओगे तो कम से कम 20 चैनल हैं 20 के 20 सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल मतलब ऐसे नहीं कि रोटी कपड़ा आ रहा है, है। सक्सेसफुल मतलब लग्जरी कार लेवल सक्सेसफुल वो कम, कमा रहे हैं पैसे तो लॉ में तो नहीं है 20 चैनल मतलब आप कह रहे हो सैचुरेशन अभी हाँ, आया नहीं है नहीं है। स्कोप है नहीं काफ़ी चीज़ों का हाँ और ऑफलाइन में अभी लॉ का ज्यादा वर्चस्व है एक तरह से मतलब जुडिशरी कोचिंग कोई सब ऑफलाइन 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 का ज्यादा चल रहा है तो मुझे लगता है धीरे धीरे शिफ्ट आएगा आना ही है तो ऑनलाइन ये शिफ्ट जब होएगा तो और जनता आएगी और मेरे हिसाब से अभी भी स्कोप है है हाँ, मेरे 7, साथ 7, साथ 8, 8. तो मेरे हिसाब से तो जैसा सेम सेम टू चैनल खोलोगे जो मैंने टॉपिक्स बनाए उन पे बनाओगे आपका थोड़ा स्टाइल अलग होना चाहिए ठीक हाँ। है मतलब आप कॉपी कर लो किसी को पूरा हाँ। का पूरा तो फिर तो आप लिमिटेड बाय अदर पर्सन हो गए ना करेक्ट अगर मैं तेरे को कॉपी कर रहा हूँ पूरा का पूरा ठीक है तो मैं तेरे से कदम पीछे ही रहूंगा ना मैं आगे तो नहीं निकल सकता क्योंकि मेरा तो पूरा गेम ही कॉपी है तो मेरा तो ये है कि अपना यूनिक कुछ आपके पास होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आप बोर मत करो पढ़ाई है बाय नेचर ही बोरिंग होती है लेकिन आप ट्राई करो कि आप बोर ना करो तो उसका मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आया कि टाइम वेस्ट मत करो उसको पढ़ना उसको पढ़ाओ उसको अपना नाम मत बताओ उसको अपना इंट्रो मत दो उससे उसको जोक मत मारो ठीक है जोक मारना भी है तो सटल। एक आ, सटल नहीं एकदम मुँह पर मार दो जोक लेकिन टाइम मत वेस्ट करो उसमें अलॉट करो कि हर चार वीडियो में दस सेकेंड का एक जोक आ जाएगा उसको खींचो मत उसको अपने राम गाथा मत बनाओ दो दो तीन मिनट चार मिनट तक मत खींचो इतना टाइम नहीं है किसी के पास और कोई देख भी नहीं रहा वो आपका कंटेंट अगर कोई पढ़ने आ रहा है तो उसको आपकी लाइफ हिस्ट्री में कोई वो नहीं है इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोटा रखो मेरे लिए वक्त किया कि आप कंटेंट जितना छोटा हो सकता है उतना रखो इन्फॉर्मेशन डेंस रखो और एक फ्लो बनाओ क्योंकि मैंने देखा बहुत टीचर लॉ में बताते हैं सेक्शन 45 सेक्शन 46 और बस बताते जाते हैं ठीक है वो एक तरह से ऐसा हो गया कि ऑडियो बुक सुन रहे हो आप किताब की ऐसा लगता है थोड़ा एफर्ट मारो कि कुछ फ्लो बने अगर नहीं भी इन एसेंस में उस टॉपिक में फ्लो है तो ज़बरदस्ती डालो उसमें फ़्लो याद कराने के लिए तो जल्दी पढ़ाओ और फ्लो में पढ़ाओ तो उससे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को जो मैं जिन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ राइट कि जो थोड़े समझदार हैं और उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है और उनको बस पढ़ना है और एग्ज़ाम पास करना है ठीक है ठीक है सर अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि जब हम लोगों ने 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे तो काफ़ी सारे वेल well विशर्स जो इवन एट में भी काम कर रहे हैं उन्होंने बोला कि यार आप खुद का कोई कोर्स लॉन्च कर दे कि खुद भी कुछ पढ़ा दे तो मैंने कहा क्यों तो बोले कन्वर्जन रेट अच्छा है सो so, आपके हिसाब से अपने डोमेन में कन्वर्जन रेट वैन ऐसी कन्वर्जन रेट इसका मतलब यह है कि मेरे सर्टन नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ यानी मैं कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ उसको इतने लोग खरीदेंगे तो आपके हिसाब से अपने डोमेन में लीगल अकेडमिया में कन्वर्जन रेट क्या क्या चलता है यूट्यूब में कन्वर्जन रेट वही जैसे मैंने सीपीएम का पूरा लॉजिक बताया था कि सब्सक्राइबर से मैटर नहीं करता तो कन्वर्जन रेट अब हम सब्सक्राइबर से निकालें तो फेयर नहीं है अपन कन्वर्जन रेट प्रोडक्ट और जो वीडियो में वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया आपने, सर, है आपने ठीक है उससे निकालता है एग्जाम्पल कोई दे पाए पा जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जैसे जो बात है जो जैसे मान लो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ क्रिमिनल कोड का कोर्स मैंने बेचा था अभी उस वीडियो में सेवेंटी थाउजेंड व्यूज है ठीक है और टू एट्टी थ्री मैंने है तो बारह तेरा लाख रुपए के बेच दिए हाँ। ना डिस्काउंट था शुरू में और फिर बाद में में वो सब मिला के के इतना हो गया तो 283, 70, के कन्वर्जन रेट कुछ भी नहीं है समथिंग नन परसेंट से भी बीस हाँ। गुना, गुना कम पॉइंट हाँ। जीरो हाँ। आ गया ना वैसे बहुत कम हो गया तो कन्वर्जन रेट मेरे ऐसे नहीं निकल सकता वो कन्वर्जन रेट तब निकल सकता है पहली बात तो आपके कन्वर्जन रेट निकालने के लिए डेटा चाहिए बहुत सारा ठीक है तो आप ऐसे सिर्फ एक वीडियो डाल के उस पर कितने बिके उसमें आप कन्वर्जन रेट निकाल लोगे लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा उसका मतलब ये नहीं कि आप अगला कोर्स बनाओगे तो उतना ही आना चले है, है ना बहुत ऊपर जा सकता है बहुत नहीं जा सकता है डिपेंडिंग हाँ। कि आपने क्या प्रोडक्ट निकाला क्या कोर्स निकाला है उसकी कितनी नीड है जैसे मेरे का आई बी का कोर्स निकाला था मैंने ठीक है तो वो भी उसका भी वीडियो डाला था उस पर भी बारह पंद्रह हज़ार व्यूज आए थे वीडियो पे वो कोर्स आज तक टोटल मिला के सोलह बिके ठीक है तीन साल में मैंने मार्केट करना भी बंद कर दिया हाँ। क्योंकि उसकी नीड ही नहीं थी क्योंकि उसका एग्जाम का फॉर्मेट ऐसा था कि जो कोर्स था छः महीने का वो लोग लेते नहीं थे क्योंकि ये सेकेंडरी एग्जाम है लोग प्री के प्री देते हैं और उसके बाद कोर्स लेने जाते हैं लेकिन प्री के एक महीने बाद ही एग्जाम होता है तो किसी को वो छः महीने का कोर्स वहाँ पर जचा नहीं मतलब वो बैठा नहीं तो आपके प्रोडक्ट पर बहुत डिपेंड करता है लेकिन हाँ अगर आप ठीक ठाक यूट्यूबर हो मतलब दस पंद्रह हज़ार बीस हजार आपके सब्सक्राइबर हैं बीस हज़ार आपके सब्सक्राइबर हैं तो मेरे हिसाब से आप हाँ तुम्हारे तो, तो ही तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी लॉन्च करोगे अच्छा प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा बिक जाएगा कितना बिकेगा वो फिर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है आपने किस टाइम पे लॉन्च करा और आपकी प्राइस क्या है करेक्ट ठीक है तो अगर मेरा यही कोर्स है जो क्रिमिनल कोड का ये अगर सात सौ का होता सात हज़ार जगह तो कन्वर्जन रेट शायद दो परसेंट हो जाता है एक हाँ। परसेंट हो जाता शायद दो हज़ार बिक जाते लेकिन अगर सत्तर हज़ार होता तो शायद दो भी नहीं बिकते सही ठीक है तो वो प्राइस और ये सब ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं अपन तो सुनने में आता है कि भाई आपने भी शायद एक वीडियो बोला था करेट मेफ आई एम रॉन्ग कि आपको एक बड़ी एट कंपनी से ऑफर आया था एंड दे वर पेइंग यू अ वेरी डिसेंट मनी सो so, अगर मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल है वो अच्छा चल जाता है लाख दो लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कितना अमाउंट यह टेक कंपनी ऑफर करती है इसके पीछे का रैशनल ये है कि कई बच्चों के दिमाग में मेरे दिमाग में हालांकि आता है सवाल कि यार कुछ नहीं हुआ एक अच्छा यूट्यूब चैनल खड़ा करता हूँ <coughs> और बैकअप के तौर पर कोई ना कोई कंपनी तो हायर कर लेगी अब अगर वो हायर करती है तो कितना अमाउंट वो लोग ऑफ़र करते हैं आपके हिसाब से यार देखो मेरे एडवाइस तो ये रहेगी क्योंकि मैं उल्टी एडवाइस नहीं दे सकता जो मैंने खुद ने किया उसका ठीक है मैंने चैनल खोला तो मैं शॉर्ट में जर्नी बता देता हूँ जब मैंने चैनल खोला तो एड टेक कंपनी इसके ऑफ़र मेरे पास आने चालू हो गए थे जब मेरे तीस चालीस हज़ार सब्सक्राइबर थे ठीक है सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ते थे और उनका ऑफ़र थोड़ा बढ़ जाता था ठीक अच्छा। है <laughs> तो जब मेरे तीस चालीस हज़ार सब्सक्राइबर थे बहुत पहले की बात हो गई चार साल साढ़े तीन साल पहले की बात हो गई तब से अभी तक पेइंग वो भी बढ़ा है उनका <laughs> तो उनका फर्स्ट ऑफ़र मुझे याद है पता नहीं क्या साठ का था साठ हज़ार अच्छा तीस चालीस सब्सक्राइबर थे जब मेरे ठीक है वो भी साठ हज़ार इसलिए था क्योंकि वो मेरे को अंडरकट कर रहे थे मेरे को तब नेगोशिएटिंग नहीं आती थी नेगोशिएशन हाँ। नहीं आता था मैं पचा सकता था उसको और ऊपर जैसे मैंने बाद में पहुँचाया ठीक हाँ। है तो साठ हज़ार अराउंड दे रहे थे और फिफ्टीन वो आपकी कोर्स सेल का देते थे कि जैसे आपने देखा होगा कि कोर्सेज में बोलते हैं कि यूज़ माई कोड जैसे अगर मैं वहाँ जाता था तो बोलता यूज़ माई कोड वाई जी लॉ है ना इस पर हाँ। तो पंद्रह परसेंट दस परसेंट ऑफ मिलेगा तो दस परसेंट सिर्फ आपको ऑफ नहीं मिल रहा था उस टीचर को भी उस कोड की वजह से कट मिल रहा होता है ठीक है तो उन्होंने जो मुझे ऑफर किया था वो वो किया था पंद्रह परसेंट मुझे मिलेगा जैसे मान लो मैंने एक लाख के कोर्स बेचे तो पंद्रह हज़ार मुझे मिल जाएंगे तो उन्होंने दिया साठ हज़ार प्लस ये पंद्रह परसेंट फिर उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा नेगोशिएट किया मुझे लगा साठ कोई मेरे को लंबे साठ के लिए मैं नौकरी नहीं करनी चैनल इसलिए खोला था ना कि नौकरी नहीं करनी और फिर चैनल खोल के वही साठ की नौकरी करो तो पॉइंट नहीं है तो मैंने छोड़ दिया मैंने साठ इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है फिर मेरे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ गए साल भर बाद उन्होंने मेरे को ऑफर दिया नेक्स्ट डेढ़ लाख का अच्छा साल के बाद डेढ़ लाख का हाँ क्योंकि सब्सक्राइबर डबल डिपल हाँ, हो गए थे हाँ, सत्तर हज़ार हाँ, अस्सी हज़ार हो गए थे अच्छा ठीक है डेढ़ लाख का ऑफर दे दिया और वही पंद्रह परसेंट वाला था फिर मैंने उस डेढ़ लाख पे काफ़ी नेगोशिएट किया क्योंकि तुम समझो मेरा चैनल तब भी पैसे छाप नहीं रहा था छापता तो भी, भी नहीं रहा लेकिन तब तो मतलब ऐसा घर से लेने पड़ते थे है ना वाला सिस्टम था इतने में पैसे नहीं कमा रहा था और आप ऐसे किसी जो कुछ नहीं कमा रहा इंसान दो साल से चैनल चला रहा है उसको आके बोलो डेढ़ लाख रुपये तो लेगा वो ठीक है और मैं तो बुरा भी नहीं मानता क्योंकि काफी मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं जब मैंने स्टोरी बताई थी ना तो उन्होंने कमेंट में लिखा था कि सर आप सही हो आप नहीं बिके दूसरे तो बिक जाते हैं <laughs> ठीक है टेक कंपनी को जो दूसरे टीचर बिकते हैं ना भाई वो भी मेरा परिवार थोड़ा वेल ऑफ है मतलब दोनों गजरेड ऑफिसर हैं सब है तो मेरे पास वो लिबर्टी हाँ लिबर्टी था ऑप्शन था फ्रीडम था कोई प्रेशर नहीं था ठीक है राजू रस्तों की नहीं थी ना मेरी हाँ। बहन की शादी करानी पापा का ऑपरेशन कराना है सब नहीं था पापा भी हेल्दी है बहन भी नहीं है ठीक है सब सॉर्टेड है तो मेरे वाले ऑब्लिगेशन नहीं थे मैंने वो भी मना कर दिया मैं कमा नहीं रहा था तब तब मैं कमा पच्चीस तीस हज़ार रुपये रहा था तब मेरे व्हाट्सएप पे कोर्स चलते थे अच्छा कि मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह भेजता था और पाँच सौ रुपये लेके व्हाट्सएप पे ऐड करता था हाँ। यूट्यूब से तब मेरे आ रहे थे बारह हज़ार दस हज़ार रुपये पर मंथ इस टाइप के आ रहे थे तो मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम जब आए थे थर्ड टाइम उसके वापस एक साल बाद एक लाख प्लस हो गए थे सब्सक्राइबर डेढ़ लाख हो गए थे जितने भी दो साल पहले की बात है तब उन्होंने मेरे को दिए थे ऑफ़र किए थे

तो मैंने बोला कि कम करो आरस फोर्टी फाइव करो उसमें भी पंद्रह घंटे में डाउट के रखूंगा और ये सब करके मैं चार लाख प्लस पंद्रह परसेंट पहुँचाया तब भी मैं इतने नहीं कमाता था अब भी नहीं कमाता मैं चार लाख तो मतलब उधर वो चार लाख प्लस पंद्रह परसेंट जितना फिक्र था अभी भी नहीं है लेकिन तब भी मैंने ऐसे ही मना कर दिया क्योंकि तब मेरे को लगा कि अब तो मैं कमा रहा हूँ ना मैं दो लाख सवा दो लाख आराम से कमा रहा था उस टाइम पर ठीक है तो मैंने सोचा कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है तो जब वो साठ हज़ार दे रहे थे जब साठ हज़ार बहुत कम थे और जब वो ज़्यादा दे रहे थे तब उससे थोड़े कम ज़्यादा मैं ऑलरेडी कमा रहा था तो मैं मैं क्यों वो टी शर्ट पहनूँ उनकी और उनका नाम लूँ और मेरा चैनल चल रहा है फ्रीडम है और ये लाइव पढ़ाने का भी मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा लगता है स्टूप सा लॉ में जैसे अगर आपका कोई रीजनिंग पढ़ा रहे हो आप या फिर आप साइंस पढ़ा रहे हो फिज़िक्स पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर एकदम हाथों हाथ डाउट्स होते हैं न्यूमेरिकल्स के बीच में स्टेप्स के बीच में डाउट होते हैं मेरे को नहीं लगता लॉ में इतने डाउट्स होते हैं कि आपको लाइव पढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि आप जैसे मेरे कोर्सेज भी हैं मेरे कोर्सेज में एक चैट ग्रुप है उसमें डाउट पूछ सकते हो आप उस वो चैट ग्रुप खाली ही रहता है यार है ना उसमें कभी हफ्ते का एक डाउट आता है वो आंसर हो जाता है इससे ज़्यादा क्या डाउट आएगा लॉ में मतलब आप बहुत ही पैथेटिक टीचर हो तो शायद बहुत डाउट्स आएंगे लेकिन अगर भी पढ़ा दोगे, तो लॉ तो लॉ है को तो मेरे हिसाब से लाइव लेक्चर में भी टाइम वेस्ट होता है तो मेरे को फॉर्मेट तो अच्छा लगता ही नहीं था मैंने आज तक खुद भी लाइव नहीं कोई लेक्चर लिया मेरा सब रिकॉर्डेड होता है तो फिर मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया तो हाँ अगर आप चैनल खोल रहे हो और आपके इतने सब्सक्राइबर हैं कि दस बीस हजार सब्सक्राइबर है तो आपको वो थोड़ा आपको बहस करना आता है और थोड़ा नेगोशिएट करना आता है है ना तो आप लाख रुपए जितनी सैलरी उनसे निकलवा निकल सकते, सकते हो ठीक है लेकिन फिर आपको उनको रिटर्न देना पड़ेगा आप लाख रुपए सैलरी उठा रहे हो तो वो छह महीने उठा लोगे एक साल उठा लोगे जब उनको दिखेगा कि इसके कोड से कोई नहीं खरीद रहा है ये कुछ भी सेल नहीं ला रहा है तो वो भारत सरकार से फंडिंग नहीं है उनको कि सरकारी नौकरी जैसे कि आप अनप्रोडक्टिव हो गए तो भी सैलरी मिलेगी ऐसी गारंटी तो होगी नहीं तो वो आपको हटा देंगे तो आप मेक श्योर sure करो कि आप चैनल खोल लोगे सक्सेसफुल हो जाओगे थोड़ा बहुत उनको ज्वाइन कर लोगे तो घुसो इस फील्ड में तभी जब तुमको लगता है कि हाँ तुम अच्छा पढ़ा लोगे क्योंकि अच्छा पढ़ा लोगे तो रिटर्न विटर्न सब आ जाएगा लेकिन एक लाख की सैलरी सोच के मैं चैनल खोल लेता हूँ वो, वो सही नहीं है हाँ वो, वो सही नहीं, नहीं, नहीं रहेगा क्योंकि आप हिम्मत आ जाओगे ना एक साल दो साल लग जाते हैं तुमको कितना टाइम लगा दो बीस हज़ार पहुँचने में अभी कितने हो गए सब्सक्राइबर अभी पच्चीस छब्बीस हजार के आसपास चल रहे हैं हम लोग कितना टाइम हो गया डेढ़ साल और तुम फुल टाइम लगे हुए हो तीन जने हाँ है ना तीन नहीं 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 जने हाँ, फुल, जने, थीन थीन जने फुल टाइम लगे और कि कमाई कमाई अभी तो अभी अभी नहीं वो, नहीं। अलग तो वो उस इता खींचने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है <laughs> तो अनलेस यू रियली लाइक इट और यू आर रियली ड्रिवन मतलब सिर्फ रियली लाइक इट की बात भी नहीं है रियली ड्रिवन हो भले यू डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक स्टडिंग लॉ ठीक है बट पैसे कमाने हैं और मेरे को लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो पढ़ता हूँ रोज और पढ़ाता हूँ अगर ये वाली है ड्राइव तो कर लो और ख़ुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप वीडियो में वीडियो डालते रहो और रोज वहाँ पे जीरो व्यू जीरो व्यू जीरो व्यू आ रहा है लेकिन आप वीडियो डालते रहो ठीक है तो फिर है वो जीरो के पांच होएंगे दस होएंगे करेक्ट तो वो हाँ। वो वाला अगर आपको करना है तो आप कर लो तो हाँ लेकिन स्कोप है हाँ इस में स्कोप है करना दस पंद्रह हजार सब्सक्राइबर का ठीक डिसेंट चैनल ऐसा कचरा नहीं ठीक है वही मैंने जो सीपीएम वाला बताया था कचरा नहीं, नहीं होना चाहिए लेकिन अगर तो एक है। से सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं यार हमको करना है, और ना कौन से से, क्या तो जो आप कोर्स वगैरह बनाते हो उसके लिए आप कौन से हो पीपीटी करते हो कैनवा करते हो नोशन करते हो क्या हो देखो सबसे बड़ा तो मेरा प्लेटफॉर्म है क्लास प्लस देती है ठीक है क्लास प्लस ने कुछ नहीं किया क्लास प्लस का बहुत सिंपल सा मॉडल है जैसे अन और ये फिजिक्स वाला बाइजूज सब आ रहे थे तो ये सब इन हाउस अपने टीचर रख रहे हैं करेक्ट ठीक है सब जितने भी टीचर हैं हैं वो इनके एम्प्लॉय ठीक है कोई भी ऐसा टीचर तो नहीं है ना इनका कि जो फ्री फ्रीलांस में पढ़ा रहे है ऐसा तो नहीं है correct. तो इनके खुद के टीचर्स को इस वाला जो सिस्टम है इसका ऑल्टरनेट क्लास प्लस ने बनाया तो क्लास प्लस का ऐड कर रहा हूँ क्लास प्लस वालों कमीशन कम करो थोड़ा तो इन्होंने क्या करा इन्होंने करा कि आप टीचर हो इंडिपेंडेंट टीचर हाँ। कोई भी टीचर हो सकता है आप गली के टीचर हो मतलब अपने कॉलोनी के टीचर हाँ। हो यूट्यूब पे टीचर हो ठीक है ठीक है और जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई कोई भी चीज़ के टीचर हो आप तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐप इन्होंने बना रखा है ठीक है एक ब्लू बना रखा है कि एक ऐप का इंटरफेस है उसमें चैट ग्रुप है कोर्सेज का सेक्शन है परचेज कर सकते हो पेमेंट गेटवे है पी अपलोड हो जाएगी वीडियो अपलोड हो जाएंगे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे टेस्ट फंक्शनल है कि आप सिलेक्ट करके आंसर आपका रिजल्ट आएगा सब कुछ उन्होंने एक बना दिया और फिर ये इसको ब्लू लेवल लाइसेंस कर देता है दे सबको ले। वाइट लेवल कर देता है बेसिकली है ना सबकी वाइट लेवल आप बना देंगे और वो फिर एक फिक्स कमीशन लेता है सर सेल होने पर हर कोर्स परचेज पे ठीक है ठीक है तो मेरे से इन्होंने स्टार्टिंग में बीस हजार रुपये साल के लिए थे अच्छा वन वन टाइम टाइम और पाँच छः परसेंट ये लेते हैं मेरे रेवेन्यू का तब लेते थे अब इन्होंने दस कर दिया ठीक है तो दस परसेंट मेरे रेवेन्यू का इनको जाता है और इन्होंने मेरी वो जो साल की बीस हजार की फीस फीस ये वेव ऑफ कर देते हैं अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं रेवेन्यू से देता हूँ ना इनको कमीशन मिलता तो वो वेव ना आपको आप। इंफ्रा दे दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम इंफ्रा दे, दे दिया, दिया पूरा का पूरा कस्टमर केयर दे दिया कल को अगर किसी स्टूडेंट के काम नहीं करती वो मेरे को मैसेज करता मैं डायरेक्ट उनको रेफर करता हूँ तो वो जो टेक वाला पूरा पार्ट है ना क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जैसे कई लोग मेरा देखेंगे बोलेंगे कि ऐप बना ली ये कर लिया वो कर लिया तो लोग इंटरमीडिएट हो जाते हैं कि हमसे तो ऐप नहीं बनेगी हमसे तो वेबसाइट नहीं बनेगी तो हर चीज के लिए इंसान है आप पहले एक चैनल बना लो लोग खुद आएंगे आपको बोलेंगे कि आपके ऐप आप बनाते हैं ठीक है फ्री आ, में बना देंगे ठीक है फ्री में आजकल तो फ्री में बनाती है क्लास प्लस अब उनसे ऐप बनवाओ फ्री अगर आपका चैनल है आपके ऐप फ्री बना के देंगे और फिर उसके बाद आपके रेवेन्यू का लेंगे आप कमाओगे तो वो कमाएंगे तो उनका क्या लॉस है ठीक है ठीक है और सर बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह कौन से यूज़ करते हैं आप पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर तो ये अपना प्लेटफॉर्म हो गया क्लास प्लस अब सॉफ्टवेयर में मैं बहुत ही बेसिक करता हूँ लोग ऐसे पूछते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर हाँ ये हाँ। वो एडिटिंग के लिए मैं कैमतेशा यूज करता हूँ वो एक बहुत ही बेसिक सा स्क्रीन रिकॉर्डर प्लस एडिटर है ठीक है जो यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ आते हैं उनमें पी पी टी पावर पॉइंट ठीक है की नोट मैंने ट्राई किया था एप्पल वाला लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा फांफू लगी तो सिंपल पावर पॉइंट है फिर एम एस वर्ड नोट्स बनाने के लिए और जो मेरे ऐप पे कोर्सेज होते हैं उसमें मैं डायरेक्ट पी डी एफ पे पढ़ाता हूँ तो उसमें पी डी एफ ठीक है ना तो मेरा simple. बहुत बेसिक है हाँ मेरा कुछ भी फाफू नहीं क्योंकि दूर से देखने में लगता है कि अच्छा हाँ भाई अभी ये आ रहा है ये आ रहा है वो सब पीबीटी में है जो वो जो एनिमेशन भी है ना जो वो क्रिज एनिमेशन जो मेरे वीडियो में है हाँ वो कोई पेड़ आ रहा है ये आ रहा है वो सब स्टिक फिगर्स आ रहे हैं वो हाथ से ड्रॉ करे हुए हैं और बाकी पीपीटी पी टी में एनिमेशन का सेक्शन होता है उसमें जाके थोड़ा खेलोगे तो थोड़ा बेसिक कर सकते हो ठीक है मेरा एड्रेस से बनवाऊंगा मैं अगली बार तो ठीक है सर अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी के टाइम पे चलो चैनल सब कुछ हो गया सब कुछ सब कुछ, सब कुछ सही जा रहा है कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सोच रहेगा कि यार अब कंटेंट क्रिएशन बंद कर दूंगा या फिर कुछ और पे शिफ्ट करूंगा या फिर है कि भाई यही चलना है ऐसा कभी कुछ आया पॉइंट कि भाई हाँ यूट्यूब पे अमाउंट आ रहा है कोर्स बन गए कोर्स ब्लॉग ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम है आपके चैनल पे अब मेरे YouTube पे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम है है ना हाँ। काफी कम है साल भर से तो मैंने कोई नया छह महीने तो का था हाँ। वो तो पैसे वो कंटेंट मेन सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता था वो आते हुए एक साल हो गया है लेकिन अब मैं बस चालू करूंगा ही अच्छा होपफुली ये कब पब्लिश होएगा ये वाला तो हो जाएगा सर में पाँच दिन में ना तो मैं ये जब लोग देख रहे के अंदर अंदर वापस कंटेंट आने लग जाएगा उसका रीज़न ये है कि मैं ना वन पर्सन कंपनी हाँ, हूँ ठीक है तो शुरू में वो बहुत ईजी था जब एक कोर्स था लेकिन अब है ना बहुत सारी चीज़ें हो गई अब एक मेरे को दिन का आधा पौन घंटा मेरा डेडिकेटेड सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में जाता है फिर इतना ही मेरे को ऐप पे रिप्लाई करने में जाता है उस कोर्स के डाउट्स में नहीं आते कोई क्वेरीज लेकिन क्वेरीज जाती न, कहां हाँ, है ना कोर्स कहाँ से क्या करें बेसिक कस्टमर केयर ठीक हाँ, हाँ, है तो मेरी कंपनी में सीईओ भी मैं ही हूँ कस्टमर केयर वाला जो फोन उठाता है वो मैं मई हूँ ठीक है तो वो करना पड़ता है फिर उसके बाद जो पुराने कोर्स है वो को मैंटेन करना पड़ता है अपडेट हाँ अपडेट करना पड़ता है कोई चेंजेस करने पड़ते हैं नए टेस्ट डालने पड़ते हैं टेस्ट पहले मैं खुद टाइप करता था डेटाबेस पे अब मैंने टाइप पेस रख लिया तो थोड़ा इजी हो गया पहले वीडियो में खुद एडिट करता था एडिटर यही सब कर रहा था मैं टाइम से

की दिनचर्या कैसे दिखती है कि भाई इफ यूर कंटेंट क्रिएटर बेसिकली कंटेंट क्रिएटर तो आपके हाउ अ डे लुक लाइक इन योर लाइफ तो पर यही था जानने का उद्देश्य इस क्वेश्चन का कि भाई आप दिन भर करते क्या हैं यार मेरी है ना जैसे लोगों का होता है ना ऑफिस टाइम हाँ और फिर ऑफिस के बाद उनका वर्क लाइफ बैलेंस हाँ। तो वर्क हो गया फिर लाइफ हो गया मेरी लाइफ है ना सेगमेंटेड है अच्छा मेरे पूरे दिन में पांच सात सेगमेंट वर्क के आते हैं और उनके पांच सात सेगमेंट बीच में लाइफ के आते हैं तो मैं ज़्यादा मेरे को आउटडोर पर्सन तो मैं हूँ नहीं मेरे को ज़्यादा बाहर पसंद नहीं है जाना ठीक है मैं अपने घर में संतुष्ट रहता हूँ तो मैं सुबह उठता हूँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ फ्रेशन अप होता हूँ फिर उसके बाद मैं आके थोड़ा रिचार्ज होता हूँ यहाँ पे अपने सिस्टम पे बैठता हूँ हाँ, हाँ। रीले विले देखता हूँ कुछ थोड़ा बहुत आधा पौन घंटा फ्रेश होता हूँ कई लोग बोलेंगे बहुत अनहेल्दी एटीट्यूड है लेकिन हेल्दी जो जो है है ठीक है वो देखता हूँ फिर मैं काम करने बैठता हूँ अच्छा मैं मेरे काम करने की लिमिटेड डेढ़ दो घंटा पूरे दिन पर नहीं नहीं एक बार अच्छा ठीक है इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता तो मेरे सिस्टम पे नेटफ्लिक्स है 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 मेरे सिस्टम पे PS5 और ये सब कनेक्टेड <laughs> ठीक है, है? तो मैं डेढ़ घंटा काम करता हूँ फिर मैं आधा एक घंटा टाइम पास करता हूँ फिर मैं डेढ़ घंटा काम करता हूँ फिर मैं आधा घंटा फिर लंच फिर रिपीट फिर बाहर कहीं जाना है दोस्तों तो थीक मिलना दो शाम को आ जाते हैं और फिर रात को भी रिपीट तो मोरर मेरा पूरा दिन सिस्टम पे बैठता है मेरा बोल रहा है

एक्चुअल में नहीं मेरे को कुछ नहीं, नहीं है कोई चैलेंज नहीं नहीं, नहीं, ये डाउट नहीं है कि लोग हाँ। कंटेंट देखना बंद कर देंगे ये वाला डाउट नहीं है मेरे ठीक को। है ठीक है क्योंकि एक बार आप जैसे ना पहले ये मैंने बताया था ना जब आपको शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत करने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते ओवरथिंक करके आओ ओवर थिंक करना इसलिए जरूरी है एक ही चीज़ ओवर थिंक करना जरूरी है कि भैया इट विल नॉट बी इजी और कोई तुमको ताली नहीं बजा रहा है ठीक है अब ऑफिस में भी जाते हो ना जब आप गधा मजदूरी भी करते हो लिटिगेशन में कहीं पे जाके तो वहां पे कोई तो बोलता है गुड जॉब या फिर डांट नहीं खाई यही गुड जॉब होता है करेक्ट ठीक है आज सर्वाइव कर लिया एक रोज का गोल होता है लेकिन जब आप यूट्यूबर बनने जा रहे हो ना तो देर इज नो गोल ठीक है मतलब गोल तो है हाँ फिजनस होना है अमीर होना है लेकिन डेली बेसिस पे कोई गोल नहीं है आपको वीडियो डालना है जिसपे कोई व्यूज नहीं आ रहे Correct. फिर आपको कल वीडियो डालना है जिसपे कोई व्यूज नहीं आ रहे तो बीच बीच में ना मेरे वीडियोज में भी मुझे देखने लग गया था कि मेरे पांच वीडियो अच्छे होते थे जब मेरा मूड अच्छा होता था और फिर जब मेरा मूड खराब होता था तो तीन वीडियो थकेले से होता था ठीक अच्छा। है क्योंकि मेरा मूड खराब होता था उस दिन तो ऐसे अगर वही मूड खराब खराब होता रहेगा तो ऐसे लोग क्विट कर देते हैं जैसे तुम लोगों ने मैसेज किया था मेरे को हाँ, जब तुम लोगों ने किया था मैसेज किया था कि चालू कर रहे हैं तो तुमने कुछ कुछ मैंने बेसिक्स बात बताई थी मैंने तुम्हें ऐसे कोई बहुत गुरु ज्ञान भी नहीं दिया था ऐसे कुछ गुरु ज्ञान है भी नहीं है ना सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप जो सीख नहीं सकते ऑनलाइन ठीक है कॉलेज वॉलेज में जाके अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है लॉ भी इनफैक्ट आज मैं अपनी डिग्री चला दू किसी को फर्क नहीं पड़ेगा हुँ. मैं बोल दू ऐसा आग लगा दी अब मैं एल नहीं हूँ तब भी लोग देखेंगे मेरे वीडियो की मैं पढ़ा रहा हूँ ना लॉ तो अब वो मैटर नहीं करता इतना तो आप सीख कुछ भी सकते हो लेकिन वही है कि आपको टिके रहना है ना उसमें कंसिस्टेंसी आपको लगे रहना है उसमें और कोई सबाशी नहीं देगा कोई पैसे नहीं मिलेंगे व्यूज भी नहीं आएंगे लाइक्स भी नहीं आएंगे कुछ भी नहीं आएंगे तो उसके लिए ओवर थिंक करके आना कि ये ये मेरी लाइफ है दो साल जैसे लिटिगेशन में लोग जाते हैं तो ओवर थिंक करके जाते हैं ना कि दो साल तो पैसे वैसे कुछ नहीं पाँच है पांच तो का है दो के बाद पैसे कुछ तो मिलते हैं पांच हजार समोसे चाय के पैसे मिलते हैं कम से कम है ना ठीक है तो वो तो मिलता है इसमें वो भी नहीं मिले शायद और उसके लिए भी प्रिपेयर होकर आना क्योंकि मैं तो हो गया सक्सेस ठीक है मेरे तो पैसे आने लग गए और मेरे को तो लगता है मेरा करियर ठीक चला जाएगा हाँ लेकिन मे भी हो सकता था एक थॉट था मेरे दिमाग में कि मैं पढ़ा रहा हूँ एक तो मेरी आवाज़ जो है आ, वो मेरे को कमेंट मिले हैं लोगों से लाइफ में कि मेरी आवाज़ चुपती है कान में ठीक है तो बोला लोग हाँ, मेरे लोगों ने बोला सब काफ़ी लोगों ने बोला और मैंने खुद भी रिकॉर्डेड सुनी है मेरी ठीक है मेरे को चुपती है तो मेरे एक बहुत बड़ा दिमाग में था कि मैं पढ़ा अच्छा लूँगा लेकिन शायद मेरी आवाज़ की वजह से लोग नहीं सुने अच्छा तो वो मैटर नहीं करा लेकिन वो कर सकता था शायद मैं अपनी आवाज को ज्यादा बेकार मान रहा था जितनी है उससे ठीक हाँ हाँ हा। है तो वो मैटर कर सकता था हो सकता था मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाले और मैं बोल रहा हूँ व्यूज नहीं आ रहे कमेंट्स नहीं आ रहे हो सकता है कमेंट्स आते हैं कि क्या टट्टी पड़ा रहा है ठीक है हो सकता आ, था ठीक हाँ हा। है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था मन में अच्छा मेरा ऐसा था कि ये हो गया तो कुछ और कर लेंगे यू हैड प्लान प्लान भी भी तो नौकरी लेटिन <laughs> कॉलेज में लेक्चरर जो भी भाई भारत में रोटी कमाने के लिए जो भी चाहिए वो प्लान मतलब ऐसा कोई लेजेंडरी लेजेंडरी प्लान प्लान नहीं नहीं था था दूसरा ठीक है तो ये प्लान में नहीं था मेरे दिमाग में के लिए इतना ऐसा चल जाएगा लेकिन मेरा था मैं प्रिपेयर था कि टू क्विट दिस एंड मूव ऑन लेकिन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता तो मैंने सोच रखा था अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया अच्छा तो मैं छोड़ूंगा अगर नो रिपॉन्स आया तो मैं लगा रहूंगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता अच्छा ठीक है और उसमें भी हार मानता मैं मेरा आ गया साल भर में रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं दो साल बाद हार मानता तीन साल बाद मानता मैं इतना भी, इतना भी पैशन नहीं है ना का <laughs> ठीक है तो तो उतनी मैं स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं करता तो तुम प्रिपेयर रहो के लिए और में वायरलिटी नहीं होती जैसे तुमने खुद ही बोला नहीं होती हो सकती है हो हाँ, जाए तुम कुछ कर दो हो जाए बढ़िया हो जाए लेकिन इट इज नॉट द नॉम नहीं होएगा सर हमारे पुराने पॉडकास्ट पे अब जाके व्यूज आते हैं जो साल साल पहले मैं रिकॉर्ड किए थे ना कैमब्रिज के जो भी गेस्ट थे अलग अलग उन उनपे व्यूज अब आ रहे हैं तो एक साल का टाइम हमको भी है उसमें भी डिपेंड करता है ना कि कब एक्चुअली तुमने इन्फो बना दी अहेड ऑफ योर टाइम ठीक है अब कैम्ब्रिज का एडमिशन का कोई लास्ट डेट आई हो या कुछ भी हो मेरे को नहीं हाँ, पता मैं करेक्ट करेक्ट सो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है लेकिन स्ट्रगल भी रियल है क्योंकि हाइप रियल इसलिए है क्योंकि मेरे बैच के लोग ठीक है और लिटिगेशन मैंने ना बहुत ही एक अलग बात ऑब्जर्व करी कॉलेज के बाद जैसे कॉलेज तक अपने को लगता है कि मार्क्स इज एवरीथिंग मूड कोर्ट सी वी इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप लिटिगेशन मैटर कर जाए शायद लेकिन लिटिगेशन में जो झंडे गाड़ रहे हैं ना मेरे बैच के लोग 2017 का बैच है मेरा ठीक है अभी 24 चल रहा है सात साल हो गए सात साल में मैं मेरे बैच के पाँच छः जने तो हैं मिनिमम जिनको जानता हूँ जो लिटरली छाप रहे पैसे ठीक है और इंडिपेंडेंट भी हो गए ठीक है होम स्टेट में भी नहीं है बाहर के स्टेट में जाके इंडिपेंडेंट होके पैसे छाप रहे लिटिगेशन में सबसे पहली बात तो आपको पीपल पर्सन अगर आप नहीं हो जो मैं नहीं हूं मैं एकदम अपोजिट हूं बट इज पीपल पर्सन पीपल पर्सन मतलब आपको अगर लोगों से रोज मिलना बात करना अच्छा डिप्लोमेटिक होना फिल्टर के साथ बात करना ये सब नहीं आता है तो पहली बात तो आपके फेवर की फील्ड नहीं है वो ठीक है? है क्योंकि लोगों से बात करना तो सबसे ऊपर है वो तो एक ऐसी क्वालिटी है जो चाहिए ही चाहिए मेरे हिसाब से है ना किसी भी फील्ड में चाहिए होती लिटिकेशन में ज़्यादा चाहिए मेरी फील्ड में नहीं चाहिए थी तो यूट्यूब पर नहीं चाहिए तो मैं उसमें आ गया तो एक वो चीज़ चाहिए उसके अलावा थोड़ा हसल तो है ही थोड़े से ज़्यादा ही है मतलब आपके अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है एक इंडिया में अनफेयर बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे अनफेयर लगती है लिटिगेशन में इकलौती चीज़ अगर वो नहीं होती तो मैं लिटिगेशन की तारीफ़ करता ख़ुद भी शायद ट्राई करता वो है एडवर्टीजमेंट नहीं करने देना अच्छा ठीक है एडवर्टीजमेंट अलाउड होने चाहिए मेरे हिसाब से उसमें कुछ रूल्स बना सकते हैं मन एथिकल कुछ भी कि, <laughs> आ, <laughs> कि, कि, क्या रूल्स हैं कि आप एकदम ही नंगे मत हो जाओ एडवर्टीजमेंट में <laughs> कि मर्डर करिए मैं छुड़ाऊंगा ऐसा ऐड <laughs> नहीं हो, है ना ऐसा ऐड नहीं हो मतलब डिसेंट ऐड हो कुछ लेकिन एडवर्टीजमेंट अलाउड होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि है ना वो एडवर्टीजमेंट नहीं होने देना ना वही एक रीजन है कि ये जनरेशनल बिजनेस बन गया ठीक है कि पापा के कॉन्ट्रेक्ट बेटे को या फिर हाँ मतलब आपके जो वो बो बोलते हैं ना फर्स्ट जनरेशन लॉयर हाँ, चैनल का नाम है फर्स्ट हाँ, जनरेशन लॉकेट लॉकेट हाँ। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ऐसे गाली की जैसे क्यों बोलते हैं करेक्ट क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर मतलब मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ठीक है और मैं सामने लेके भरोसे हूँ मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता मैं अपनी स्किल्स शो ऑफ नहीं कर सकता तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस है वो मैनुअली करना पड़ेगा लोगों से मिल मिल के इसलिए लोगों का पीपल पर्सन होना इसलिए जरूरी है ठीक है कॉन्टैक्ट कैसे बनेंगे अगर आप पीपल पर्सन नहीं हो तो True. अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसका दस मिनट बात करने में उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही आ रहा है कि तो आदमी तो बदतमीज़ है है ना तो वो आपके क्यों देगा आपको केस और क्यों आपको रेफर करेगा आगे और कुछ नहीं करेगा वो तो पीपल पर्सन होना जरूरी है ऐड नहीं आप कर सकते लेकिन उसका भी मेरे को लगता है अगर आप लिटिगेशन में सच्ची में पैशनेट हो तो आप इंटरनेट यूज करना चालू करो आप इंटरनेट पर रील्स बनाना चालू कर दो लॉ की वो अलाउड है

तब मैंने करी भी है लोगों से लेकिन समझा नहीं सकते आप लेकिन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एज लॉन्ग एज आर पीपल जो फ्री में काम करना चाहते हैं आपको पैसे नहीं मिलेंगे या तो आप स्टैंड आउट करो ठीक है अगर आप जाके कहीं पे इंटरनेट पे रो रहे हो कि लिटिगेशन में पैसे नहीं देते सीनियर वो इसलिए नहीं देते क्योंकि तेरे जैसे बीस और हैं जो फ्री में करना चाहते हैं करेक्ट ठीक है उनको सीखना है तेरे को सीखना भी है पैसे भी चाहिए ठीक है अनफेयर है फ्री लेबर अनफेयर है मैं मान रहा हूँ लेकिन सप्लाई डिमांड भी कुछ होता है ठीक है अगर दुनिया में डिमांड ही नहीं होगी ठीक है और सप्लाई सप्लाई, सप्लाई होगी तो पैसे रहे? नहीं मिलेंगे या रहे? फिर तुम अपने बॉस को प्रूव करो आप चार महीने ऐसा एम्प्लॉय बनो कि आप पंद्रह हजार मांगो तो आप उसको वर्थिट लगो पंद्रह हजार के तो वो देगा लेकिन इन द एंड तो एंड गेम तो इंडिपेंडेंट होना ही है तो हाँ अगर तुम पे फैमिली प्रेशर है बहुत ज्यादा ठीक है वही राजू रस्तोगी मम्मी कैलाश कराना है बहन की शादी है ना उस टाइप का बॉलीवुड आपका ड्रामा है ठीक है ऐसे मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ मजाक ही कर रहा हूँ लेकिन होते हैं हो कईयों की मुश्किलें होती है लाइफ में तो आप लिटिगेशन मत चूज़ करो ऐसे लिबर्टी की बात सर मेरे पास लिबर्टी थी कि मैं स्टार्ट कर पाया मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करा इसलिए मैं यार इंडिया में एक यूट्यूबर बनना तो मेरे को लगता है कि जो स्ट्रगल से बन गए बन गए लेकिन लिबर्टी वालों का ही करियर है ठीक है आप कर लो स्ट्रगल लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर है हाँ, चीजों तो का तो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू तो स्टार्ट हाँ, पहले आप वो प्रेशर हटाओ नौकरियां हाँ, करके क्योंकि यूट्यूब यू कैन डू थ्री ईयर्स लेटर ऑल्सो ट्रू ठीक है अगर आपका पैशन ही है इतना तो आप अपनी लाइफ को एट स्टेक रख के मत करो उसको

तो तब दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू बी अ यूट्यूबर ठीक है चुपचाप नौकरी करो Correct. जो जैसे जाके लोग करे तीन साल बात कर लेना YouTube YouTube कहीं नहीं जा रहा यूट्यूब वही Correct. है और काफी लोग सोचते हैं कि अभी मौका है अभी मौका है मौका हमेशा रहता है मौका हमेशा रहता है मतलब वो हमेशा रहेगा और हमेशा ही ठीक है ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया थैंक यू सो मच ओके ब्रो चलो कट